नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ अलग लेके आए हैं। हम पहली बार लेके आए हैं स्लीव्स, वो है टुलिप स्लीव्स। ये देखिए आप, ये टुलिप स्लीव्स आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये बहुत प्यारी लगती है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और ये बहुत ही सिंपल है बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। टुलिप स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड पे स्लीव्स के शेप की कटिंग कर दी है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि टुलिप स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं। उसके लिए ये जो मिडल पॉइंट है स्लीव्स का, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया हमने मिडल में से। अब हम मेजर टेप लेंगे और ऊपरी हिस्से में मिडल पॉइंट से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसी तरह इस तरफ भी 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, मतलब हमने मिडल से दोनों तरफ 3-3 इंच का मार्क लगा दिया। अब जो नीचे की तरफ है वहाँ पे हम 1.5-1.5 इंच के मार्क लगाएंगे, मिडल पॉइंट से 1.5 इंच लेफ्ट साइड पे और मिडल पॉइंट से 1.5 इंच राइट साइड पे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने जो मार्किंग की है उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम शेप देंगे। सबसे पहले ये जो ऊपर का पॉइंट है वो, उसको हम ज्वाइन करेंगे नीचे वाले पॉइंट से क्रॉस में और इसका शेप देंगे। और ये ऊपर वाला पॉइंट है उसके क्रॉस में जो नीचे आता है हम उससे ज्वाइन करेंगे। तो शेप आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से थोड़ा राउंड करके नीचे मोड़ देना है आपको। उसी तरीके से हम दूसरा शेप भी देंगे। ये शेप बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी टुलिप स्लीव्स को बनाने के लिए। तो देखिए ये शेप बन गए हमारे। अब जो एक हिस्सा होगा वो बैक का होगा और दूसरा हिस्सा होगा वो फ्रंट का होगा। ये देखिए मैंने लिख दिया है फ्रंट और बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। हमने जो लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल आप उसी पे कटिंग करें। तो देखिए ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हमने काट लिया है। अब जब बैक का हिस्सा काट करेंगे हम, तो नीचे जो हमारी लाइन कट हो गई है नीचे की तरफ, उसको भी हम यूज करेंगे बाद में। तो चलिए अब फैब्रिक लेते हैं हमारा। ये हमने फैब्रिक ले लिया है। अब हमने जो फ्रंट का पार्ट ये कट किया था वो उसके ऊपर रख देंगे। ये रख के आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करते वक्त शेप का ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसे कट कर देंगे। इसे ध्यान से कट करिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा हम काटेंगे तब 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये हमारी स्लीव्स को जॉइन करने में जाएगा। तो जब इस हिस्से की कटिंग करें तो 1 इंच फैब्रिक ज़्यादा लीजिए। कटिंग हो गई हमारे फ्रंट हिस्से की। हमने जो कार्डबोर्ड कट कर दिया था मैंने उसे वापस लिया है। अब हम इसे एकदम जॉइंट किया हुआ रखेंगे इस तरीके से। पहले हमने फ्रंट का पार्ट कट किया था, अब हम बैक का पार्ट कट करेंगे। तो इस तरीके से रख के ये वाली लाइन से कट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा बैक का हिस्सा। अब हम इसे फैब्रिक पे रखेंगे।
ये मैंने फैब्रिक पे रख दिया है, अब हम इस पे ड्रॉ कर देंगे। इसका शेप भी एकदम बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ कीजिए जैसा हमने कार्डबोर्ड पे काटा है। ये हमारा शेप बन गया है, अब हम इसे कट करेंगे। जैसे उस फैब्रिक पे हमने 1 इंच ज़्यादा लिया था, यहाँ पे भी हम वही जगह पे ज़्यादा लेंगे। देखिए ये हमने 1 इंच ज़्यादा ले लिया और फिर परफेक्ट वही शेप पे हम इसे कट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स बैक की। देखिए कटिंग हो गई है हमारी, ये है फ्रंट पार्ट और ये है बैक का पार्ट। जब स्लीव्स हमारी बन जाएंगी तो वो इस तरीके से ओवरलैप होंगी और ये स्लीव्स इस तरीके से दिखेगी। अब हमें पाइपिंग करनी है, तो जिस हिस्से में हमने 1 इंच ज़्यादा छोड़ा था पाइपिंग उस एरिया में आएगी। उसके लिए ये मैंने स्ट्रिप्स ले ली है कॉन्ट्रास्ट कलर की। अब हम इसे पाइपिंग करेंगे, इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे रख के सिलाई लगा देंगे। फैब्रिक डबल फोल्ड होगा और इस एरिया में सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से दूसरे स्लीव्स में भी इस फैब्रिक को यूं फोल्ड कीजिए, इसे इस तरीके से कॉर्नर पे रखिए और सिलाई लगा दीजिए। ये फैब्रिक का सीधा हिस्सा है, इसके ऊपर हम इस तरीके से फैब्रिक फोल्ड करके रखेंगे। ये जो आप फैब्रिक फोल्ड कर रहे हैं उसका भी ये सीधा हिस्सा ही है। इस तरीके से कॉर्नर पे बिल्कुल सिलाई लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगा दीजिए। ये सिलाई लगा दी है हमने, इसके बाद यहाँ पे नॉचेस लगा दीजिए। ध्यान रखिए नॉचेस लगाते वक्त आपकी सिलाई पे ना लग जाए। नॉचेस लगाने के बाद इसको इस तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड करना है, लेकिन सारी बॉर्डर फोल्ड ना करें, इस तरीके से कुछ हिस्सा फैब्रिक का दिखना चाहिए, तभी आपकी पाइपिंग एकदम अच्छे से दिखेगी। अब इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हम इसी तरीके से दूसरे हिस्से पर भी पाइपिंग लगा देंगे। दूसरी स्लीव पर भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा दीजिए। देखिए ये दोनों स्लीव में पाइपिंग लग गई है। अब हम इसे ओवरलैप करेंगे, उसके लिए इस तरीके से एक स्लीव को दूसरे स्लीव पे रख दीजिए। ये रखते वक्त ध्यान रखिए कि आपके स्लीव की लेंथ और चौड़ाई दोनों उतनी ही हो जितनी आपको चाहिए है। तो देखिए ये हमने इस तरीके से लगा ली है। अब हम ऊपरी तरफ पे सिलाई लगाएंगे, उसके लिए हमने ये पिन लगा दी है ताकि ये स्लीव सिलाई करते वक्त एक दूसरे से अलग ना हो जाए। ये हो गई, आपको अब इतने ही हिस्से पे सिलाई लगानी है। ये देखिए ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो ओवरलैप वाला हिस्सा है ये हम वहां पे सिलाई लगाएंगे, उसके लिए इतने एरिया में आप अच्छे से सिलाई लगा दीजिए।
तो तैयार है हमारी टुलिप स्लीव्स। ये बहुत ही बेहतरीन लग रही है और पाइपिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।